प्रज्वला टीवी में मैं आपके साथ रचना सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं प्रदेश की खबरों। जनपद कासगंज से आपको बता दें, जनपद कासगंज में अपराध नियंत्रण की दिशा में कासगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि अवैध शस्त्र एवं प्रतिबंधित दवाओं का तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कब्जे से तस्करी हेतु प्रयुक्त स्कूटी, एक तमंचा व 101 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस, 400 ml प्रतिबंधित इंजेक्शन, 2330 प्रतिबंधित गोलियां व 5 बोरों में बिना लाइसेंस की दवाएं पुलिस ने बरामद। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम शिवम वर्मा है और आरोपी कासगंज के शाहवर गेट का रहने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि शाहवर कोतवाली क्षेत्र के चाड़ी रोड से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए मोहित वर्मा की रिपोर्ट। क्या था पूरा मामला? देखिए, अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार थाना क्षेत्रों में टीमों का गठन करके भ्रमणशील उनको रखा जाता है। कल एक मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जिसका नाम शिवम वर्मा है, पुत्र सत्यप्रकाश वर्मा, जो कि अवैध कारतूसों में डील करता है, उसकी मिलने की खबर, उसको हम लोग पकड़ सकते हैं। इस खबर के ऊपर नसीओ सहावर, इंस्पेक्टर सहावर को इस पर लगाया गया था। इस व्यक्ति को पकड़ने के बाद इसके घर पे छापेमारी की कार्रवाई जो है वो करी थी और इसमें लगभग 100 से ज़्यादा कारतूस, 315 के और अन्य रिवॉल्वर की गोलियाँ इसमें जो है वो मिली थी। कुछ एक अवैध तमंचा भी इसमें मिला था, अवैध शस्त्र मिला था। इसके घर की जब बाकी तलाशी कराई गई तो भारी मात्रा में मेडिसिन का जखीरा जो है इसके घर से मिला है। कुछ ऐसे मेडिसिन जिसमें है जो कि कमर्शियल क्वांटिटी में अगर 100 ग्राम से ज़्यादा रखेंगे तो उसको NDPS में कैटेगरी में आता है, जैसे एल्प्रेजोलाम और ट्रिमेडोल हाइड्रोक्लोराइड। अन्य दवाइयाँ भी हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को बुला के सारी कार्रवाइयाँ की गई थी। इस व्यक्ति के ऊपर उचित धाराओं में आर्म्स एक्ट में और NDPS में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। अन्य जो कार्रवाई है वो ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कराई जा रही है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कंप्लेंट केस इसमें फाइल किया जाएगा। इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई करते हुए आज इसको जेल भेजा जाएगा।